हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन डिस्कशन ऑफ टेस्ट 9। और ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट टेस्ट था और काफ़ी लोगों को परेशानियाँ भी आई हैं, और जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे उनके मार्क्स थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा डाउन हो गए हैं। और बाकी तो क्या ही कहें, देखिए ज़रा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही ऐसे स्वागत कर रहा है टेस्ट पेपर जैसे बस पूछो मत। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन में ही मतलब काफ़ी अच्छा लेवल है। लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ गिवन सेट, एज्यूम दैट। अब ये एजम्पशन क्या क्या है, एक तो कांस्टेंट फंक्शन बोल दिया उसने सारे के सारे वी में, दूसरा अगर एफ वी में है तो एफ स्क्वायर वी में, यानी क्या क्या दिया है वी में भाई, एफ एक्स इक्वल टू वन या सिंपली वन फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टू, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारे के सारे वी में बोल दिया उसने कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा अगर कोई फंक्शन जी यहाँ है तो भाई उसका स्क्वायर भी इसी में है, वो ये दे रहे हैं आपको। लाइकवाइज अगर कोई फंक्शन एफ है तो मॉड एफ, यानी जी है तो मॉड जी, तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं। यस, 1 2 3 एज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन वी के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर कोई फंक्शन बैठा है तो उसका स्क्वायर भी बैठा हुआ है और उसका मॉडुलस भी बैठा है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहला, अगर दो एलिमेंट्स वी में है तो उनका प्रोडक्ट आप सबको पता है, लीनियर अलजेब्रा या वेक्टर स्पेस में दो तरह के ऑपरेशंस पढ़ते जा रहे हैं बच्चे, एक तो सम और दूसरा स्केलर मल्टीपल। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो स्केलर मल्टीपल, बट दिस इज नॉट स्केलर मल्टीपल, तो यहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए कि दो वेक्टर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन तो वेक्टर स्पेस में होता ही नहीं है इन जनरल, मतलब बात नहीं करते उसके लिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं। दूसरा, अगर एफ जी वी में है तो क्या उनका मैक्सिमम भी वी में होगा, दो फंक्शन का मैक्सिमम निकाल पाना आसान बात नहीं है। तीसरा, अगर एफ वी में और पी इज एनी पॉलीनोमियल देन पी एफ बिलोंग्स टू वी, आइए ज़रा बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले सेकंड वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ भाई, आपको जो भी बच्चे साथ में हैं चाहे भले ही कितनी शिकायतें हों आपको, बट जब आप आंखें बंद करके सोचेंगे कि क्या क्या किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे किसका हाथ है, कैसे क्या 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 किया आपने, सब सामने आ जाएगा। आइए मैक्सिमम पे बात कर रहा हूँ, इतनी बार मैंने बताया बच्चों को मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, ओके, मैक्सिमम ऑफ टू अननोन नंबर्स, यस मैक्सिमम सर। मैक्सिमम ऑफ टू अननोन क्वांटिटीज, तो वो मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला यूज़ करो ना। हाँ जी, सॉरी, एन प्लस जी प्लस मॉड ऑफ एन माइनस जी बाय टू। अब वो कह रहे हैं ये दोनों वी में है तो क्या पूरा एक्सप्रेशन पे बात करते हैं। देखिए इंडिविजुअली देखते हैं, अगर एफ जी वी में है, दोनों वी में है, तो बिकॉज ये एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस है तो सम प्रॉपर्टी कैरी करेगा, तो ये पूरा का पूरा राइट मार्क हो रहा है, हो जाएगा। दूसरा, अगर एफ जी वी में ये वेक्टर स्पेस है तो जी के लिए एडिटिव इनवर्स माइनस जी बिलोंग करेगा। अब ये एफ हो गया और ये माइनस जी हो गया, वी वेक्टर स्पेस है भैया तो इनका सम यानी एफ माइनस जी बिलोंग करेगा, अगर एफ माइनस जी बिलोंग करेगा तो उसका मॉड भी बिलोंग करेगा, बहुत बढ़िया। अब ये एज अ एलिमेंट वेक्टर स्पेस का मेंबर, ये पूरा एज एन एलिमेंट वेक्टर स्पेस का मेंबर, तो उनका सम भी वेक्टर स्पेस का मेंबर, वेक्टर स्पेस है भैया, तो यानी इनका सम 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 यानी एफ प्लस जी प्लस मॉड में एफ माइनस जी, ये पूरा का पूरा वी में है। हाँ जी, अब स्केलर मल्टीपल तो होता ही है वेक्टर स्पेस में, कोई वेक्टर अगर वी में है तो उसको किसी भी स्केलर से यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी में आ जाएगा। आई थिंक यू कैन सी, सो दिस होल थिंग बिलोंग्स टू वी, लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इन सबका यूज़ हो रहा है वैसे कहीं ना कहीं, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट एक्चुअल में करेक्ट है। अच्छा जी, अब पहला और तीसरा, पहले तीसरे पे बात करते हैं क्योंकि तीसरा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ध्यान से सुनिए भाई, मैं थर्ड वाले के ऊपर बात कर रहा हूँ। छोटा सा पॉलीनोमियल ले लीजिए, मैंने ले लिया पी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, मान लीजिए ये ले लिया आपने। हाँ जी, व्हाट विल बी पी एफ ए, इसको अभी ए आई नहीं लिखना है अभी, ए बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन की बात हो रही है तो इसको कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करो, ए प्लस बी एफ प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ क्यूब। भैया ज़रा ध्यान से सुनिए एवरीवन। हाँ जी, हम कॉन्टिन्यूइंग विद फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अच्छा मानोगे क्या, उसके लिए भी तो बेस चाहिए। देखिए कांस्टेंट फंक्शन वी में दिया हुआ था, ये आ गया एफ, क्योंकि वी में लिया ही है आपने ये थर्ड पार्ट में, तो उसका स्केलर मल्टीपल भी वी में होगा, ठीक है ना। व्हाट अबाउट एफ स्क्वायर एंड व्हाट अबाउट एफ क्यूब, अगर एफ स्क्वायर आ गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर एफ क्यूब तो भी पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए एफ के लिए एफ स्क्वायर तो बोल ही दिया था उसने, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये भी आ जाएगा ना। व्हाट अबाउट एफ क्यूब, और थोड़ा सा मैं एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ बच्चों को, हाँ एक मिनट, हाँ
जी, व्हाट अबाउट एफ क्यूब एंड एफ पावर फोर? देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं एफ स्क्वायर है तो एफ क्यूब भी हो। अरे मल्टीपल नहीं होता है वेक्टर स्पेस में भैया, कहाँ घूम रहे हो, स्केलर मल्टीपल होता है, यही तो देखना है। कुछ भी मतलब नहीं ऐसे अप्लाई करना चाहिए, मैथमेटिशियन के लॉजिक होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप लोग, आप ही से कह रहा हूँ भाई, ये वाला चीज़ ट्रू हो गया मान लो, अगर ये वाला चीज़ आपने प्रूव कर लिया, यानी दो वैक्टर्स अगर वी में है तो उनका प्रोडक्ट भी, अगर ये आपने प्रूव कर लिया तो इधर आइए ज़रा, एफ वी में है और एफ स्क्वायर भी वी में है तो उनका प्रोडक्ट यानी एफ क्यूब भी हो जाएगा। लाइकवाइज एफ, यस एफ है और एफ क्यूब है तो एफ फोर भी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं थर्ड वाला तभी आ पाएगा जब पहले वाला आ पाएगा। इज दैट क्लियर? हेलो, थर्ड पार्ट तभी ट्रू होगा और सिर्फ तभी ट्रू होगा जब पहले वाला पार्ट ट्रू हो जाए। तो थर्ड डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट, अगर फर्स्ट ट्रू नहीं है तो थर्ड इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो पहले आइए जरा पहले पे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। यस फर्स्ट वन, नाउ ये प्रोडक्ट आएगा कैसे भाई? आप लोगों ने स्कूल में बड़े झंडे गाड़े हुए हैं, वॉट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उधर आ जाएगा आपका फोर ए बी। तो यानी ए बी कैन बी रिटन एज, देखिए प्रोडक्ट को लिखना है सम और डिफरेंस का यूज़ करके। बच्चा कहेगा ये क्या कर रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट को लिखना है सम और डिफरेंस का यूज़ करके। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए क्योंकि वेक्टर स्पेस में यही सब ऑपरेशन होते हैं। इन जनरल सम वैलिड होता है, स्केलर मल्टीपल वैलिड होता है, ये सब वैलिड है। तो आइए जरा सम का डिफरेंस का यूज़ करके, स्केलर मल्टीपल का यूज़ करके आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर ए बी को ऐसे लिख सकते हैं तो एफ जी को क्या लिख सकते हो आप? एफ जी इज इक्वल टू वन बाई फोर ऑफ, यस एफ प्लस जी का होल स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन। आइए अब वो कह रहे हैं एफ जी वी में है, आ जाओ भाई। अगर एफ जी वी में है तो एफ प्लस जी वी में होगा और जो भी वेक्टर वी में उसका स्क्वायर उन्होंने मुफ्त में दे दिया था, यहाँ लग गया टिक। अगर एफ जी वी वी में है तो उनका डिफरेंस वी में होगा, वेक्टर स्पेस है तो उसका स्क्वायर भी वी में होगा बिकॉज दिया हुआ है। तो ये भी वी में है, ये भी, तो उनका डिफरेंस भी वी में है, डिफरेंस ये पूरा वेक्टर वी में है तो स्केलर मल्टीपल। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। तो पहला भी ट्रू है और पहला ट्रू होने की वजह से थर्ड भी ट्रू हो जाएगा भाई। सबको क्लियर हो गया? ये पहला ही मतलब क्वेश्चन आदमी का बैंड बजा के रख देगा अगर केयरफुली नहीं करेगा तो। आगे का रास्ता खराब हो सकता है जी, आगे का रास्ता खराब हो सकता है अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पेपर में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए तो भाई एग्जाम में ये आप लोगों को सजेशन है, देखिए डोंट बी एब्सोल्यूट, मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ। स्कूल लेवल के थोड़ा पैटर्न से बाहर आ जाइए आप लोग, अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में वही घूम रहे हैं। स्कूल में एक डेफिनेट बुक है, डेफिनेट सिलेबस है, उसी में से चीज़ें आती हैं, बरसों से आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। कोई एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, नहीं तो सब कुछ सिलेबस में सब कुछ डिफाइन है, यहाँ नथिंग इज डिफाइन। ये जो लोग या जो बच्चे सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज ले ली सर ने, 60 क्वेश्चन पूरे पूरे डिस्कस नहीं किए, कोई फायदा भी नहीं है। मैं यहाँ 60 के 60 का सॉल्यूशन दे दूंगा, आप कर लेंगे? आप चीज़ों को पकड़ ही नहीं पा रहे समझदारी से। अरे भाई हर पेपर में 40-45 क्वेश्चन ढंग से डिस्कस करने का बच्चे को संदेश है कि आप ऐसे ही करो, और इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। लेकिन वो 40-45 एकदम ट्रू होने चाहिए विदाउट फॉल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने 40 क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्क में गलत हो गया बैंड में। अब संदेश पकड़िए कि क्या हो रहा है बार बार, या किस तरीके से आपको आप लोगों को बताया जा रहा है। ये शिकायतों के मोड में मत रहिए, कोई फायदा नहीं उस चीज़ से। 40-45 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे कोई भी हो, चाहे वो एनएटी मिला के हो, मल्टीपल मिला के हो, सिंगल मिला के हो, अगर किसी बच्चे ने 45 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर लिए विद नो नेगेटिव मार्क्स, तो उसका टॉप में रैंक आने से, टॉप कितना सर? टॉप का मतलब टॉप ही होता है, तो उसका टॉप रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। क्लैरिटी होनी चाहिए। हेलो, आर यू लिसनिंग? बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस वो तो सरप्लस हो गए, एक तरह से स्वीट डिश हो गई। जैसे खाना खाया, अगर आपकी पसंदीदा मिठाई आपके सामने आ गई, कितना ही खाना खाया हो आपने, कितना ही आपका पेट भरा हो, उसकी जगह बन जाती है। अरे कुछ सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ? हेलो, इसको पकड़िए। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया पूरे पूरे सॉल्यूशन दे रही है, क्या होता है उससे कुछ फ़ायदा होता है? थोड़ा डेवलप करो अपने आप, ऐसे नहीं होगा काम। पहला क्वेश्चन हो गया, अब आते दूसरे पे। हाँ जी, ये भी गजबी क्वेश्चन है, मैं सारे पार्ट्स तो करके दिखाऊंगा नहीं बेटा आपको, का टाइम भी नहीं है और सही समय भी नहीं है अभी। आइए,
वी एंड डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेसेस और वो वही वन वन ऑन टू दिस थिंग दैट थिंग ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। जब उसने पूछ लिया वन वन ऑन टू तो एक ज़रा रिजल्ट बता दिया जाए आप भाई, ये वेक्टर स्पेस वी है, ये डब्ल्यू है और ये टी है और इन्होंने वेल फाइनाइट डायमेंशनल सिर्फ यहाँ बोला हुआ है, तो यहाँ रिजल्ट रिजल्ट है आप लोगों के लिए भाई। अगर ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल हैं और ऐसे हैं कि डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर हो जाए तो मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा? तो ये होगा कि भाई टी इज वन वन इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू, ये किया हुआ है ना आप लोगों ने। यस बस इतनी सी चीज़ है, ये रिजल्ट है सर। बाकी और बाकी क्या, यहाँ पे पीएचडी नहीं हो कर सकते आप लोगों, चीज़ को पकड़िए पहले अच्छे से। जैसे बी बी वाला पार्ट देखिए, अगर वी और डब्ल्यू बराबर है और वी फाइनल डायमेंशनल है तो दोनों फाइनल डायमेंशनल तो हो ही गए, बहुत बढ़िया। और टी एस आइडेंटिटी दिया है तो क्या टी इन्वर्टिबल होगा? अब ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिनको कॉम्पोजिशन है, जिनको कॉम्पोजिशन में कमांड है। जैसे एफ ओ जी वन वन होता है तो एफ और जी में से क्या होगा और कैसा होगा, या एफ ओ जी ऑन टू है तो एफ ओ जी में से क्या होगा और कैसा होगा। क्लासेस किए हैं तो ठीक है, नहीं की तो सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। शुरू में भी यही कहा था, आज भी मैं यही कहूँगा। वो कुछ सेट्स रिलेशन फंक्शंस के आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स बहुत अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, बट कभी देखने का मौका ही नहीं मिला आप लोगों को। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं शिकायतें करने के मोड में, शिकायत ही करते रहना। ये वाली चीज़ वहाँ मिल जाएगी आपको कंपोजिशन की। चलो कोई बात नहीं, आओ बी वाले पार्ट पे आ रहे हैं हम, बी वाले पार्ट पे। हाँ जी, टी एस आइडेंटिटी के बराबर है। टी एस का मतलब टी ओ एस, दिस इम्प्लाइज एस एस वन वन। कैसे सर? हाँ देखो देखो, कर करके दिखाते हैं आपको। अगर आपका एस एक्स एक्स एस वाई के बराबर है, दोनों तरफ टी लगा दीजिए, तो दिस इज टी ऑफ एस एक्स बराबर है टी ऑफ एस वाई, दिस इम्प्लाइज टी एस एक्स। बट टी एस तो आइडेंटिटी है। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर है वाई के, तो यहाँ से एस एक्स इज एस वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एस इज वन वन। अभी सुनिए, अभी क्या बताया था आप लोगों को, देखिए टी की जगह एस ले लेते हैं। एस मैपिंग भी कहाँ से कहाँ दी हुई है? अच्छा, वी टू डब्ल्यू एन, वो सेम ही हो गया ना, वी ओ डब्ल्यू तो बराबर है, वी ओ डब्ल्यू बराबर है, तो एस वी टू वी हो गया एक तरह से, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ही हैं। हाँ जी, अगर ये वन वन हो गया तो ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हो गया तो वन वन हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज। हाँ जी, क्लियर है? देखो भाई, जैसे एस इन्वर्टिबल आया बिल्कुल ऐसे टी इन्वर्टिबल प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज एस के लिए तो बोला नहीं है, टी के लिए कर दीजिए। फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू, बिकॉज वी ओ डब्ल्यू बराबर है, वाई कैन बी रिटन एस आई वाई एंड आई कैन बी रिटन एस टी एस वाई, कभी किया नहीं। लीजिए, इज इट टी ऑफ समथिंग? जी, वाई इज इक्वल टू टी ऑफ समथिंग, तो टी ऑन टू हो गया। अगर टी ऑन टू हो गया तो टी वन वन हो गया, क्यों? रीजन मैं आपको दे ही चुका हूँ। हाँ जी, टी ऑन टू है, टी वन वन है, तो क्या हो गया टी? अब बताइए, इन्वर्टिबल हो गया, तो ये था ये बी पार्ट ही करेक्ट है इसका, बाकी किधर और देखने की जरूरत भी नहीं। नेक्स्ट, ये करेंगे बाद में, बाद में करेंगे सर, कभी भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ज़रूरत भी नहीं है। डायमेंशन निकालना नहीं आता आपको, पूरा अरेंज करिए। जिन चीज़ों पे टाइम लगाना चाहिए उनके उन पे टाइम लगाया जाता है, ये उल्टी सीधी बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन बच्चे से बिल्कुल हिलने नहीं वाले या होने नहीं वाले या थोड़े बहुत हिंट के साथ भी नहीं होने वाले, वो करा दिए जाते हैं आप चीज़ों को पकड़ ही नहीं पा रहे, छोटे बच्चे बने हुए हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? पहला, द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर मॉड ऑफ, भाई ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार और जानदार, ये जरा डिस्कस करते हैं। शानदार और जानदार, छोटा थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाते हैं ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें बेटर। आओ भाई,
ये y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है, जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं रुक नहीं रहा है, पूरी रियल लाइन पे चलता रहे। उसके बाद इसको कंपेयर करना है आपको y इज इक्वल टू हाफ लाइन से, तो आपको पता है cos sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 है, ये 1 है, हाफ तो यही होगा, तो ये y इज इक्वल टू हाफ आपका बना दिया गया। हाँ जी, अगर आप रेगुलरली क्लासेस करते रहे हैं। अच्छा मॉड है यहाँ पे, तो मॉड आ गया तो मेरे को सारा दोबारा ही बनाना पड़ेगा। कॉस का ग्राफ देख लीजिए ऑल ऑफ यू, सिर्फ कॉस का ग्राफ देखेंगे, ये जो रेड कलर में कॉस का ग्राफ बना है, जैसे ही आप मॉड लेंगे तो जो नेगेटिव में था सब ऊपर चला जाएगा, तो ये हटाइए, ये भी हटाइए, और ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जो निचला पोर्शन था वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये ठीक है, हेलो। यस सर, ज़रा साथ आ जाओ बिकॉज अदरवाइज हो नहीं पाएगा। हाँ जी, आपको कौन सा पोर्शन चाहिए? आपको ऐसा पोर्शन चाहिए जहाँ मॉड ऑफ कॉस एक्स का, हाँ जी, वो हाफ से कम रहे, मतलब वाई इज इक्वल टू हाफ लाइन के नीचे नीचे ग्राफ कहाँ कहाँ है वो देखना है आपको, कहाँ कहाँ है जरा देखें। हाँ जी, ये एक एक सेकंड, जस्ट वेट है, ऐसे बता रहे हैं आपको, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, मान लीजिए दिस पॉइंट, मान लीजिए सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। हाँ जी, ऑन द इंटरवल ए बी कॉस ज्यादा है या वाई इज इक्वल टू हाफ ज्यादा, कॉस ज्यादा है। अरे सुन रहे हो कुछ? हाँ, तो ये इस तरीके से देखना पड़ेगा। नाउ लुक एट BC, BC का मतलब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके सामने लिखा हुआ है, ऑन द इंटरवल BC हाफ ज्यादा है, यू नो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से प्लीज आइए जरा साथ में। तो लेट मी राइट दिस एज अल्फा बीटा, ये इंटरवल हो गया, ये गामा डेल्टा, ये पी क्यू, जल्दी से बता दो ये इंटरवल्स। ओके, ये जो पहला वाला फर्स्ट पॉइंट है, क्या ये इन सारे इंटरवल्स का यूनियन नहीं आएगा? अल्फा बीटा यूनाइटेड विद गामा डेल्टा यूनाइटेड विद पी क्यू यूनाइटेड विद एंडलेस, इज इट एंडलेस? तो अनबाउंडेड हो गया ना भाई, बाउंडेड कहाँ से होगा, तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये वाला गया। दूसरा, द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर टेन इज नॉट डिफरेंशियबल, ओके, जी ये वहाँ वहाँ डिफाइंड नहीं है, जहाँ जहाँ कॉस जीरो होगा वहाँ वहाँ डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, तो दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट दोस पॉइंट्स वेयर कॉस इज नॉट डिफरेंशियबल, सॉरी वेयर कॉस इज जीरो। तो कॉस एक्स जीरो कब होगा? पाई बाई टू, थ्री पाई, नेगेटिव में भी, उसके बाद क्या है, फाइव पाई बाई टू, देन सेवन पाई बाई टू, देन नाइन पाई बाई टू, देन इलेवन पाई बाई टू, एम आई राइट? ये पूरा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है पूरी रियल लाइन पे, ऐसे फैला हुआ है, मतलब डिफरेंस रहेगा इसमें, पाई बाई टू, देन थ्री पाई बाई टू, देन फाइव पाई बाई टू। हाँ जी, इसको एज अ सेट देखिए, ये जो सेट दिया है आपने, एक्स दोज पॉइंट्स वेयर टेन इज नॉट डिफरेंशियबल, तो जो गिवन सेट है बी वाले पार्ट में वो इसके बराबर है। जिस किसी ने कभी भी थोड़ा बहुत एनालिसिस पढ़ा है, अरे मैं तो भूल ही गया, आपको तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस से फुर्सत भी नहीं है, इंटीग्रल में भी डबल इंटीग्रल ही है बस आपका फेवरेट, जहाँ ट्रिपल आया वहाँ बस, थोड़ा ये भी पढ़ लो भैया, एनालिसिस काम हो जाएगा। आइए ज़रा इधर, ये सेट, ये जो सेट बनेगा रियल लाइन पे, ये स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, तो उसके पास कोई लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता भाई, लिमिट पॉइंट के लिए तो क्लस्टरिंग होनी चाहिए ना, क्लस्टरिंग। अगर किसी सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये बोला जा सकता है द सेट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करता है तो क्लोज्ड होता भी है, एनी सेट कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स इज क्लोज्ड, सो ये वाला ट्रू। सी पार्ट, इसमें आप आरओसी निकाल लीजिए, आरओसी निकालोगे इसका, इसको देख के शक्ल याद नहीं आ रही, दिस साइन एक्स, हाँ हेलो साइन एक्स ने, बताइए जरा, कॉस भी आ गया, टेन भी आ गया, साइन भी आ गया, नहीं आपकी शिकायतें नहीं बंद हुई। हाँ भाई, ऐसा पॉइंट जिसके लिए साइन एक्स का वैल्यू, आप कन्वर्जेंट तो नहीं बोलेंगे बिकॉज इसका वैल्यू साइन एक्स के बराबर है, साइन एक्स ऐसा पॉइंट बताइए जिसमें साइन एक्स इन्फिनिटी, क्या बकवास कर रहे हैं, साइन एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन वन एंड माइनस वन, एम आई राइट? अब कोई भी एक्स उठा लीजिए रियल लाइन का, उसको साइन में डालेंगे तो वैल्यू फाइनाइट ही आएगी, ये दिस इज नॉट साइन वन बाय एक्स की खुश हो रहे हैं, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट, इसका तो एग्जिस्ट करेगा भैया, किसी भी पॉइंट में परेशान नहीं करता साइन तो। हेलो, तो ऐसा एक्स बताइए जिसके लिए साइन एक्स फाइनाइट है, सारे एक्स के लिए फाइनाइट है, तो ये पूरा का पूरा सेट जो है पूरा रियल लाइन हो गया, दिस इज रियल लाइन, हाँ जी रियल लाइन बाउंडेड होता है, बकवास। लास्ट वाले पे आइए, द सेट एक्स वेयर एफ एक्स इज कॉस एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमा, मतलब कॉस के पास लोकल मैक्सिमा कहाँ गए,
देखो भैया, अब कॉस का ग्राफ बनेगा, मॉड कॉस का नहीं बनेगा, मैक्सिमा पूछ रहे हो। सो मैक्सिमा अकर्स हियर, जीरो पे मैक्सिमा अकर्स हियर, मैक्सिमा अकर्स देयर, मैक्सिमा इधर भी आएगा। हाँ जी एंडलेस। हेलो कहाँ कहाँ कॉस वन आता है। सो दिस सेट इज सेम एज जीरो। सर माइनस में, माइनस लेने की क्या जरूरत है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस ले लो कोई बात नहीं। क्या होता रही, हाँ जी क्लास में है या नहीं है। अगेन ये सेट ऐसे फैला हुआ है, और फैले हुए सेट के पास कभी भी लिमिट पॉइंट तो हो नहीं सकता, तो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। सो माइनस वाला लेते तो भी वो फैले फैले ही रहता, कोई भी दो पॉइंट्स आपस में पास भी नहीं आ रहे, तो ये वाला भी ट्रू है। तो इसमें क्यों है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका सी पार्ट करें। सी नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन, वो थोड़ा अभी जो खट्टे मीठे क्वेश्चन आपने देखे खट्टे मीठे ही थे, अभी तो आगे और करेला आएगा, डोंट वरी। वन सेकेंड ना, मैम वो आ नहीं रहा, एक बार देखना जरा कहाँ चला गया। यस बैक, थैंक यू। लेट एफ फ्रॉम जीरो आर टू जीरो वन टू आर इज बाउंडेड, देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, दैट मीन्स एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। बकवास, डिरिचलेट फंक्शन है ये आपके पास। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन जीरो वन एक्सेप्ट फॉर फाइनेटली मेनी पॉइंट्स इम्प्लाइज एफ। हाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है, या किसी फंक्शन के पास अगर फाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज है वो भी रिमान इंटीग्रेबल होता है, दैट यू तो लिखा हुआ ही है, तो ये वाला ट्रू हो गया। तीसरा एफ इज रिमान इंटीग्रेबल इम्प्लाइज कॉन्टिन्यू, ये सब गलत है, तो वो तो मिल ही जाता आपको। मीठा क्वेश्चन था, खटास के बाद मिठास ज़रूरी है। आइए ये तो क्या ही डिस्कस करें आपके साथ, ये आइए। हाँ जी यहाँ आइए, पहले देखिए ये जो अनसीन क्वेश्चन है ना, पहले कभी भी नहीं देखे हुए आपने, या जिस तरह के पहले नहीं देखे। आइए आओ जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पी एन क्यू इफ एच इज नॉट, ओके इसमें ये थोड़ा डरा रहा है, डरा ही रहा होगा, ये वाला फिर भी ठीक है, ये करो जरा। क्वार्टरनियन ग्रुप दिया है और इसका सेंटर दिया है, तो दिस इज जी बाय जेड जी, जी बाय जेड जी, और अगर हम गलत नहीं है तो ऑर्डर ऑफ जी आठ है और ये दो है, यानी ये चार ऑर्डर का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर। हाँ जी ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर का मतलब, फोर का मतलब टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, वेयर पी इज प्राइम, एम राइट। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम इज ऑलवेज अबेलियन, तो ये तो ट्रू हो गया। चलिए थोड़ी सी हिम्मत आई, वो दो स्टेटमेंट्स में से पहला थोड़ा भयानक है लेकिन दूसरे ने थोड़ा सहारा दिया, आप हिम्मत करके वापस आइए पी पे, ऊपर वाले पे ही। इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, देन एस फोर बाई एच, एस फोर बाई एच इसका ऑर्डर यानी 24/4 यानी 6। हाँ जी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 दो ही होते हैं, दो ही हो सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज या तो एस फोर बाई एच जेड सिक्स के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर एस फोर बाई एच एस थ्री के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, वो प्रिविलेज, वो डी थ्री एस थ्री सेम ही है। क्या कह रहा था मैं, वो प्रिविलेज जो यहाँ मिला हुआ था आपको कि ऑर्डर पी स्क्वायर आ गया, आपने झट से अबिलियन बोल दिया, वो यहाँ नहीं है, अब तो निकालना ही पड़ेगा। अगर अबिलियन जैसे कह रहे हैं कि अबिलियन ही होना चाहिए, यानी कि यही वाला पॉसिबिलिटी होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, अभी एग्जामिन कर लेते हैं कि ये होगा तो क्या होगा। हाँ जी जरा अपने श्रीमुख से बताइए, एस फोर बाई एच अगर आइसोमॉर्फिक हो गया जेड सिक्स के साथ, तो जेड सिक्स तो साइक्लिक होता है, बिकॉज जेड सिक्स साइक्लिक है, तो एस फोर बाई एच भी साइक्लिक है, कोई भी है, कोई भी नहीं नहीं कोई, क्या है कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। ये दिस इज नॉट जेड जी प्लीज, ये यही तो क्लैरिटी होती है, दिस इज नॉट जेड जी, सेंटर क्वार्टरनियन ग्रुप का ये है, बट एस फोर का सेंटर थोड़े में
एग्जाम सिर पे खड़ा है, कैसी बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो। S3 का सेंटर ऐसा, किताब पढ़ लीजिए नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर देख लीजिए नहीं देखेंगे, बस शिकायतें करते रहेंगे खाली बैठ। सेंटर ऑफ SN इज आइडेंटिटी फॉर S3, फॉर S4, फॉर S5 आइडेंटिटी, तो दिस इज नॉट G/ZG, प्लीज आओ जरूर इधर। हाँ जी, S4/H इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 अगर है, तो दिस इम्प्लाइज बिकॉज Z6 साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, तो S4/H मस्ट हैव। वॉट इज S4/H का स्ट्रक्चर? G/H का स्ट्रक्चर होता है AH, तो ये हो जाएगा अल्फा H टाइप, ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आई डोंट नो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। देखो भाई, किसी भी एलिमेंट A के लिए, जैसे होमोमॉर्फिज्म है तो सबको याद ही है, होमोमॉर्फिज्म ये पढ़ा है आप लोगों ने, ऑर्डर ऑफ F डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, हाँ बोल दो कम से कम। हाँ, एक ही बच्चे ने हाँ बोला, वो भी ऐसे बोला जैसे पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब जरा इधर आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोसेट्स में आइए, ये ए है, ये ए एच है जी, ऑर्डर ऑफ ए एच में, और ऑर्डर ऑफ, बस मैंने रिलेट कर दिया, अब आपको याद भी हो जाएगा, फाइनाइट अगर है तो ठीक है, वो याद भी हो जाएगा भाई, पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, अभी तुम्हें समझ में थोड़ा ना आएगा, बट ऑर्डर ऑफ अल्फा एच किसको डिवाइड करना चाहिए, अब बोलिए बोलिए, स्पीक अप, दैट इज, हाँ जी, 6 डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ अल्फा को। अब ये बताओ जरा ऑल ऑफ यू, अगर आपने अल्फा एच लिखा है या कोई कोसेट लिखा है, तो इस कोसेट में अल्फा कहाँ से आ रहा है, S4 से, एम आई राइट, S4 से आ रहा है, S4 में, अभी क्या ही बताएं आपको, S4 में आप समझ नहीं पा रहे, या चलिए दिखा देते हैं, या तो अल्फा 1 साइकिल हुआ, या अल्फा 2 साइकिल हुआ, या अल्फा 3 साइकिल हुआ, या अल्फा 4 साइकिल हुआ, या अल्फा प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स हुआ, बस यही हो सकते हैं। हाँ जी, इसका ऑर्डर 1, अल्फा का ऑर्डर 1, अल्फा का ऑर्डर 2, अल्फा का ऑर्डर 3, अल्फा का ऑर्डर 4, अल्फा का ऑर्डर 2 अगेन, यस, 6 डिवाइड्स, इसमें से किसको डिवाइड करेगा, 6, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 2 को, अगर ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहा तो ये बताइए जरा, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग ए डिवाइड्स बी, बी इज अ मल्टीपल ऑफ, एम आई राइट, यस सर, तो यहां से क्या मिलेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 या 6 से ज्यादा, देखिए इसमें से कौन सा मल्टीपल ऑफ 6 दिख रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 6 होने के लिए तो 6 12 18 होने चाहिए ना, तो है ही नहीं, सो नॉट पर गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है कई बच्चों से नहीं हुआ होगा। हाँ जी, तो पहले वाला करेक्ट नहीं है, तो यू नो क्या है, ओनली क्यों, ओनली क्यों, ठीक है भैया चलें आगे, यस सर, मीटिंग अभी थोड़ी देर में एंड हो, अभी नहीं हो रही है, कुछ देर में 5-7 मिनट में एंड होगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको शिकायत अभी तो करनी है ना, आओ आओ, ये बाद में करेंगे सर, बाद में कब करेंगे, नहीं करेंगे, जाओ आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, कितने लोगों से नहीं हुआ, सच बोलिए कितने लोगों से नहीं हुआ, वो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि कुछ पिछले वही कुछ बरसों से ये T20 हाइट पे भी है, हाइप पे भी है, और उसी को देखते हैं लोगों ने टेस्ट मैच देखना ही छोड़ दिया, वनडे तो किसी तरह बस ज़बरदस्ती खींच खींच के देख लेते हैं, सर ये क्रिकेट बीच में कैसे आ गया, देखिए अगर आपको एक्चुअल में क्रिकेट सीखना है तो रणजी ट्रॉफी में पसीना बहाना पड़ेगा, टेस्ट मैच की तरह एक बार खेल के आना पड़ेगा ताकि आप हर तरह की सिचुएशन से डील कर सकें, खाली T20 हु हा हा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, सेम ईयर ये क्वेश्चन सच में नहीं समझ में आएगा भाई, आएगा ही नहीं समझ में, कितने लोगों ने ये पढ़ा है, पढ़ा हुआ है ना, yes, अगर आप हमारे साथ जुड़े, मेरे को ये नहीं दिन नहीं पता है,
लेकिन ये जरूर बताइए कि मैंने ये भी और इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स क्लास में कराई हैं। आप सबको स्टेटमेंट पता है, नेवर अप्लाइड, कभी निकाला नहीं एक्सटेंड करके। भाई हमने तो क्लास में यहाँ तक पढ़ाया कि वो एक्सटेंड कैसे करते हैं, एक्सटेंशन लेमा करके, वो भी पता, वो भी बताया हुआ। चलो कोई बात नहीं, तो ज़रा देखो यहाँ ध्यान से, ऑल ऑफ यू, ये वी है, मान लीजिए इसका डायमेंशन, ऑल ऑफ यू, इसका डायमेंशन आपका 4 है, और आपके पास पहला वेक्टर v1 है, दूसरा v2 है, अगर ये दोनों एल आई हैं तो ये दोनों एल आई होने पे भी बेसिस नहीं बनाएंगे, इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन के लिए आपको डायमेंशन 4 यानी दो दो एलिमेंट्स और चाहिए, तो एक तो v3 और एक v4, मतलब दिस कैन ऑलवेज बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस। अच्छा मान लीजिए अब ऑल ऑफ यू कि ये पहले से ही आपके पास तीन मेंबर्स होते हैं, तीन मेंबर्स होते, तीनों एल आई होते, अब जो एक्सटेंशन होगा उसमें कौन सा एक्स्ट्रा आएगा, v4। जो उसके स्पैन में बिलोंग नहीं करेगा देखो उनको याद है, कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, देख आपसे स्पैन। लीजिए, मैं यही कह रहा था, एग्जैक्टली यही कह रहा था, वो तरीका है ना वो निकालने का। तो जरा प्रेजेंट में ये ऑल ऑफ यू, ये वाला v1 है, 101, ओके, अब इसको डोमेन में देखो चाहे को डोमेन में देखो एक ही बात है, कहीं भी देख लीजिए दोनों दोनों जगह से काम हो जाएगा। डोमेन में देख लेते हैं, हाँ जी, ये आर क्यूब है, यस, ऑल ऑफ यू इन दोनों की शक्लें देख के बताइए, ऑल ऑफ यू प्लीज इन दोनों की शक्ल देख के बताओ क्या आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। अरे बोलो भाई, यस सर, अगर ये यस सर, अगर ये दोनों एल आई हैं, अगर ये दोनों एल आई हैं तो दिस कैन, दिस सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस। वेट वेट, एक एक एलिमेंट चाहिए v3। अब मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए, पांचों का दिमाग तो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तो एक बच्चे ने एक्सटेंड करके निकाल लिया v3, दूसरे ने एक्सटेंड करके निकाला v3 डैश, तीसरे ने एक्सटेंड करके निकाला v3। आप समझ रहे हैं ना, मतलब डिफरेंट चॉइसेस हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो बोलो भैया, यस सर, हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस आर पॉसिबल, एज मेनी डिफरेंट चॉइसेस, एज मेनी, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने आर क्यूब में मेंबर्स हैं, हो गए, क्वेश्चन खत्म। अभी देखो भाई मैंने क्या बोला आप लोगों को, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, रिजल्ट यही है जो सामने लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको डोमेन में भी काम कर सकते हैं और को डोमेन में भी कर सकते हैं। घर बैठ के थोड़ा डायग्राम बना के देख लेना मैं क्या कह रहा हूँ, ये दिस इज t v1 इज समथिंग, दिस इज t v2 इज समथिंग, वो डोमेन में देखिए तो ये दिखेगा, को डोमेन में देखिए तो पहले 1 2 3 लिखना पड़ेगा, बाद में 101 लिखना पड़ेगा। सुन रहे हो? यस सर, तो ऐसा, यस, यस सर, हाँ जी, ऐसा टी, ऐसा टी जो वेल इनफाइनाइटली मेनी, अनकाउंटेबली मेनी, अनकाउंटेबली मेनी, तो आंसर इज अनकाउंट, एक बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। पर यदि अगर मेंशन रहता V3 तो मैं वे, तो सिर्फ एक ही करता हूँ। हाँ वो उसके लिए थ्योरम होती है यूनिक, उसके लिए थ्योरम होती है यूनिक। देखिए क्या लिखा है, अनकाउंटेबली मैनी चॉइसेस टू एक्सटेंड 101 1 2 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा काम कर लीजिएगा घर पे बैठ के। अगर डोमेन की तरह देख रहे हैं इसको तो ऐसे लिखा जाएगा, को डोमेन में देख रहे हैं तो ये इमेज बन के पहले आएगा, वो इमेज बन के बाद में, बट फर्क क्या पड़ता है, उधर इधर भी इंडिपेंडेंट, उधर भी इंडिपेंडेंट, उधर भी एक्सटेंड हो जाएगा, इधर भी एक्सटेंड हो जाएगा, उधर भी इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस, इधर भी, तो हाउ मेनी, यस, ऐसे कितने फंक्शन जो ये काम कर सकते हैं। अच्छा तीसरा आपको v3 चाहिए ना, तो इनफाइनेटली मेनी चॉइसेस, दैट मीन इनफाइनेटली मेनी टीज आर देयर, सो इसलिए ये आर क्यूब तो अनकाउंटेबल होता है, तो ये सिंगलटन तो बकवास है, फाइनाइट सेट भी बकवास है, ये नेचुरल नंबर्स की जैसी चॉइसेस होनी चाहिए, बट यहाँ आर क्यूब में तो पता नहीं क्या है, तो ये भी गया, लास्ट वाला ही करेक्ट है, ये हिलेगा भी नहीं किसी से क्वेश्चन, भले ही कहीं इधर से उधर से देखते रहिए, होगा भी नहीं किसी से अगर किसी ने ढंग से काम नहीं किया। रेडी फॉर नेक्स्ट, यस सर, यस, हाँ, इसको तो डिस्कस करने का फायदा नहीं है, विच थ्योरम, यस, रोल्स थ्योरम, ऐसे ही मैं पूरे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डालता रहूँ, अगर फिर भी मे बी शायद नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस भी कर लूँ, जिन्होंने रोल्स थ्योरम सुन लिया लेकिन जिनसे क्वेश्चन नहीं हुआ ग्रुप में पूछ लीजिएगा कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, डोंट वरी, हाँ जी, ये इसमें भी थोड़ा परेशानी हो रही है, विल बी डूइंग, अभी इसमें टाइम लग जाएगा, विल बी, आई विल बी डूइंग, ये मैं करा दूंगा, पिछला भले ही ना कराऊँ ये जरूर कराऊंगा आप, हाँ जी, आइए, इसको तो छोड़ेंगे नहीं,
कहीं से आंसर की देख के आपने आंसर मार्क कर लिया और पहलवान बन रहे हैं। ऐसे पहलवान बहुत देखे हैं भाई, 20 20 बरस में बहुत पहलवान देखे हैं। सारी पहलवान निकल जाती है जब टाइम टाइम आता है ना, सब निकल जाता है। थोड़ा क्वेश्चन मिले, थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए उसको और ढंग से करिए। आइए इधर इधर एवरीवन। नहीं पढ़ा ना, मना कर दो। ये सर पढ़ा है। देखिए अगर इनके ग्राफ्स भी आप बनाएंगे, पता नहीं आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ईश्वर जाने। तो यू नो 2 पावर x x स्क्वायर 3 पावर x x क्यूब। हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात, पॉजिटिव साइड में बात करेंगे, इधर नेगेटिव साइड में बात नहीं करेंगे। तो ऐसे वैसे वैसे जैसे भी देखो। हाँ जी, 2 पावर x इज x स्क्वायर 3 पावर x इज x क्यूब 4 पावर x इज x पावर 4। ऑल ऑफ यू, सभी महान आत्माएं सामने आ जाए। तैयार हो जाओ कमर कस के। बोलो बोलो, कोई और चॉइस आ रही है तो बताइए, किसी और को ध्यान आ रहा है तो। ठीक है, ये किसके लिए आएगा? 4 के लिए। अगला किसके आएगा? किसके लिए आएगा? 5 के लिए। इज दैट ओके? ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करिए। ओके सर। दोबारा शुरू करो। ऐसे बहुत से यस, हाँ जी, इसके बारे में बात हो रही थी। तो दिस विल हैपन, पॉजिटिव साइड में बात हो रही है, नेगेटिव साइड में बात नहीं हो रही। 2 पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा और यू नो, तो पॉजिटिव साइड में बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव में अभी नहीं कर रहे हैं। आ जाइए इधर। हाँ जी, प्रेजेंट क्वेश्चन में बात करते हैं। कुछ अगेन बच्चों को सिर पैर नहीं समझ में आ रहे। ये जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी चल रहा था तो मैंने आपको ये पिकार्ड थ्योरम करके कुछ बताया था। नहीं, एक्स एन प्लस वन इज एफ ऑफ एक्स एन, इस तरीके से है। तो प्रेजेंट में ये जरा बिल्कुल वैसे ही है। दिस इज 2 रेस्ट टू पावर xn बाई 2। अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज 2 रेस्ट टू पावर xn बाई 2। अगर इस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एल मान लेते हैं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन को एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, तो भाई ये आ गया आपका L इक्वल टू 2x मान लेते। चलिए x, बिकॉज मैंने x में लिखा था तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये आ गया आपका लिमिट लगाने पे x, और वो आ गया 2 रेस्ट टू पावर x बाई 2। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे अभी तो समझाया था यार, ये तो पक्का हो गया। हाँ जी, इसका जो लिमिट है वो 2 ही आएगा। अब ये पक्का करना कि सच में लिमिट आएगा या नहीं आएगा, कट थे ये वाला करेक्ट है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, लिमिट तो 2 आ गया सर। इज इट इंक्रीजिंग? भाई वैल्यूज डाल डाल के देख लो, कोई बात नहीं। पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, पता लग जाएगा आपको। उसका सी ऑप्शन ही करेक्ट है, पिकार्ड थ्योरम के बिना नहीं होगा काम। अगेन फिर मैं वही रिपीट करूंगा, कहीं से आप उल्टे सीधे सॉल्यूशन लेके आ गए या कहीं से आंसर की देख ली कि हाई ये क्वेश्चन तो वहाँ था, वहाँ ये वाला मार्क किया था, यहाँ मार्क कर दे, तो उसे क्या मिलेगा भाई? कुछ क्लैरिटी नहीं है, निकलता कैसे? अभी यूजुअली क्या सुना है हमने, आप लोगों ने और हमने क्या देखा है कि भाई किसी भी क्वेश्चन पेपर में जो सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग पार्ट होता है वो रियल एनालिसिस का। इन जनरल किसी बच्चे से पूछेंगे कि भाई इन में आपको क्या परेशानी है, तो वो कहेगा रियल में ही परेशानी होती है, बाकी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम रहती है। बट इस बार तो लीनियर अलजेब्रा ने कमाल कर दिया इस वाले में। मैं सही कह रहा हूँ, इसमें लीनियर अलजेब्रा के इतने अच्छे क्वेश्चन थे इस पेपर 9 में कि मतलब जिन बच्चों की तैयारी है लीनियर अलजेब्रा की बहुत बढ़िया, वो भी थोड़ा हिल गए, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हिल गए। एम आई राइट? आइए ज़रा अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई।
ये भी विल बी डूइंग बाद में करते हैं, अभी करने लायक नहीं है। ये देख लो, ये भी बड़ा मीठा क्वेश्चन है। मीठा मतलब ऐसा जो सबसे हो जाना चाहिए। आई दैट 5 ईयर डिफरेंशियबल फंक्शन सो दैट 5 डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग विद 5 डेरिवेटिव 1 इज 0। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अगर मैं ये बोल दूं, हाँ जी आप इसे बात बात हो रही है, टू के ऊपर जो फंक्शन का वैल्यू वो थ्री है। अब मैंने आपको ये बोल दिया थ्री है, हाँ जी एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर एक्स टू से ज़्यादा है तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स एफ टू से ज़्यादा होगा। ये आपको नोटिस करना पड़ेगा भाई, कोई और नहीं बताएगा आपको। दिस इम्प्लाइज जो एफ एक्स होगा वो थ्री से ज़्यादा होगा। हेलो, इंक्रीजिंग का तो ये मतलब होता है। और ये यहाँ कैसे लगाएंगे सर? नहीं लगा पाएंगे। तो आपको तो फॉर्मूला फॉर्मूला खेलना है, खेलो। देखो लेट 5 फ्रॉम r टू r बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन, 5 डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तुम क्या दे रहे हैं भैया, कमाल है। पाई इसको फंक्शन मान लीजिए ना, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव भी तो फंक्शन ही है। एंड इसका एक वैल्यू दे दिया आपको, 5 डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको f f लिख देता हूँ, जरा डायग्राम बना के देखते हैं ऐसे बच्चों की तरह। हाँ भाई, f जो फंक्शन है वो 1 पे तो 0 दे रहे हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 1 के बाद, 1 के बाद किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बताइए। ऊपर, और वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसे। सो दैट मींस phi derivative x strictly greater than phi derivative 0, but sorry phi derivative, let me write 1 1 1. हाँ जी ये तो 0 है, that means phi derivative x is strictly greater than 0। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वो स्ट्रिक्टली, नोटिस करो, अब phi डेरिवेटिव से phi आएगा, phi strictly increasing। एक मिनट, पूरी रियल लाइन पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 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 बेटा जी, सबको ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया, संभलेगा भी नहीं अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो। इज द आर्ग्यूमेंट क्लियर? यस सर। फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। अच्छा जी, अगर फाई इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल पे बात हो रही है? 2 3 पे कैसा होगा? डिक्रीज करेगा नहीं? सो दैट इज फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2 3 एज वेल। जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसका सुप्रीमम कहाँ होता है, उसका इन्फिमम कहाँ होता है, दैट यू नो। सुप्रीमम फाई इज फाई एट 2, फाई एट 3 हाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड इन्फिमम जी इन्फिमम फाई इज फाई एट 2। तो सुप्रीमम मैक्सिमम क्या बोला भाई ने, अल्फा मिनिमम है और बीटा मैक्सिमम है। ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो बीटा इज 5 3। ओके, लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, अल्फा इज 5 2। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये थोड़ा अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा क्या बताया इधर, अच्छे से लिख लेना इसको, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आती रही हैं और आती रहेंगी आगे भी, इस तरह की जो लिखी। ये करेंगे बाद में। यस, हाउ मेनी? निकालिए अपने दिल की भड़ास। ये और मतलब 2 3 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे हैं। देखो भैया, अगर आप थोड़ा सा समय लगाओगे अपने साथ तो जैसे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, उसमें किसी में 3 पार्ट्स पूछ रहे हैं कि तीनों में से क्या करेक्ट होगा, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, तो अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम उन तीनों में या उन दोनों में एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो आराम से हो जाएगा। अभी ग्रुप 3 का क्वेश्चन भी आया था और इस पेपर का पहला क्वेश्चन भी वैसे ही था कि कुछ चीज़ें आराम से हो जाती हैं तो आपको हिम्मत मिल जाती है कि हाँ चलो बाकी भी हो सकते हैं, बिल्कुल ही निराश होकर छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। सेम ईयर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू, 2 में से पहला तो पता नहीं क्या कह रहे हैं भगवान, देख के डर लग रहा है और उस चक्कर में दूसरा बच्चे देख ही नहीं पाए। अरे भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, MN बराबर है और P² 0 है, P² 0। आप सबसे छोटा ले लीजिए ना, 2 क्रॉस 2 का ले लीजिए, 1 क्रॉस 1 नहीं, 1 क्रॉस 1 में कोई फायदा नहीं होगा, 2 क्रॉस 2 ले लीजिए। ये तो करके देखा जा सकता है। क्या आपको लीनियर अलजेब्रा में ये नहीं बताया था 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शक्ल कैसे दिखेगी? तो बोलते काहे नहीं,
देखिए पी टू क्रॉस टू ले लेते हैं, सिमेट्रिक लेते हैं, तो ये डायगनल चाहे कुछ भी ले लीजिए, अगर आपने यहाँ एक्स लिख दिया तो यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा, एम आई राइट? हाँ जी, इसका स्क्वायर जीरो कह रहे हैं। अच्छा जी, स्क्वायर कर लीजिए, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आप लोगों को, ये हिम्मत मिलते मिलते ही मिलती है और होते होते सब हो जाता है। दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस एक्स बी, दूसरा एक्स ए प्लस बी एक्स, लास्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, तो जरा कंपेयर करके तो बताइए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जीरो, ये और ये छोड़ दो, ये ले लो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो। हज़ारों बार आपसे बात की गई है, हज़ार बार आपसे बात की गई है। हाँ जी, दिस विल एम्प्लाई ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, दिस विल एम्प्लाई एक्स इक्वल टू, लो बजाओ ताली, है समझ में? तो जीरो ही हो गया। अब बताइए सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? तो आप उस चक्कर में, मतलब पहले के चक्कर में दूसरा भी छोड़ दिया, दूसरा ही तो आपको ताकत देगा भाई, जब तकलीफ होती है बॉडी में थोड़ी दवाई ववाई खिलाते हैं, बॉडी में ताकत आती है, फिर लड़ती है और फिर आगे बढ़ जाती है। सेकंड हो गया आपका, सेकंड से अब थोड़ा पहले पहले वाले पे ध्यान लगाते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये क्वेश्चन मिला होगा बच्चे को तो उसने पहले वाले ही ट्राई किया हो, तो अगर आपने, अगर आपने ट्राई किया है तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप सब कुछ कर पाएंगे, वो नहीं हो सकता, ये सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसने एग्जामिनेशन हॉल में या उसके बाद ट्राई किया। हॉल में तो क्या ही बैठेंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यस, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, एक्स इज वन क्रॉस एम, वन रो एम कॉलम्स, तो यानी एक्स तो कॉलम वेक्टर की तरह ही लेना पड़ेगा आपको और ये रो वेक्टर की तरह लेना पड़ेगा, सही है ना? वन नहीं, सॉरी उल्टा ले लिया, उल्टा है सर। अच्छा भाई, सीधा कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब इस जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं वो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हर एक कॉलम, ये रो वेक्टर एक्स के लिए एंड हर एक कॉलम वेक्टर वाई के लिए, तो आप अपनी तरफ से कुछ ले लीजिए, मतलब क्या लें सर, आइए ये ऐसे लिखा जाएगा और ये जीरो है, जो भी आंसर है, जो जो भी है, जीरो, टू बाई टू, थ्री बाई थ्री, वन बाई, वट एवर, वो जीरो है, जीरो। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डाल के देखिए, एंड अगेन अगर बड़े के लिए एनालिसिस करना होता तो छोटे से ही शुरू होता, टू क्रॉस टू से शुरू कर लो ना, काहे मतलब इतना परेशान हो रहे हो, थ्री क्रॉस थ्री में ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट लिसन टू मी, क्या मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, अभी होमवर्क नहीं दे रहा आपको, सॉरी। सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे, हाँ जी, यहाँ यहाँ वो कुछ अच्छा सा वेक्टर ले लीजिए भाई, बिकॉज चार पहले ही अननोन है, थोड़ा नॉन क्वांटिटीज ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए वन जीरो, ठीक, सॉरी ऐसे वाला ले लीजिए वन जीरो, यहाँ ले लीजिए वन वन, सिंपल एकदम सिंपल, तो कुछ इक्वेशन आएगी, फिर दो तीन चार बार में ही आपको पता, अगर आपने ऐसे किया है तो, किसी भी बच्चे ने अगर एक्स और वाई का कम से कम एक या दो वैल्यूज भी डाल के देखा है तो तुरंत हमारी बात पकड़ लेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ट्राई किया है तो, अदरवाइज नया नया तो फिर परेशानी। हाँ देखो जरा, कोई बात नहीं। Yes, tell me the most beautiful row vector and column vector in terms of one zeros and zeros. E1, E2, E3. लो भाई, हो गया क्वेश्चन, खत्म ही हो गया क्वेश्चन, ही खत्म हो गया। E1 लीजिए, E2 लीजिए, काम खत्म। मतलब क्या है, देखिए बिकॉज ये गिवन है, ये गिवन है, फिर तो ये भी होगा, साथ देना अब, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। तो लो फिर, ये पहले वाला करके देखते हैं क्या आएगा, तो दिस इनटू दिस, ओके, जैसे भी करिए, रो वाइज कॉलम वाइज, दिस भाई थोड़ा कैलकुलेशन के टाइम पे ना थोड़ा पेन ठीक से चलाया करो, टू रोज वन कॉलम ऐसे बनी है, ओके, सो दिस इज ए एंड दिस इज सी। हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, सिर्फ सिर्फ ए ही आएगा, ए आएगा, यस सर, बट ये तो जीरो दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज ए जीरो, अगला आसान हो गया। हाँ जी, दिस विल बी वन जीरो, ए तो जीरो है, जीरो बी सी डी अलोंग विद, अब ई टू ले लिया मैंने, वो आप रोक तो सकते नहीं, सो दिस इज वन जीरो,
along with, this into this लो भैया, this into this d, क्या आएगा multiply करके, b लो, हो जाओ कुछ, a गया b गया, अगले वाले में 0 0 cd e2 one row two columns, two row two columns, अब इधर करते हैं, so one by two यानी one row, अच्छा ये ऐसे ही बनेगा, so this into this ये c हो गया, ये d हो गया, ये 0 1 हो गया, पर मैं ये क्या आएगा multiplication, d0, तो d0 zero last वाला, आप समझ ही गए मेरी बात, I'm sorry. Okay, this is C. बाकी तो कुछ है ही नहीं. हाँ जी, this implies, well, you know, पूरा matrix जो है P वो zero हो गया. अभी देखिए भाई, ये मैंने आपको क्या बताया है. 2 क्रॉस 2 के लिए ठीक है, अब घर बैठ के थोड़ा सा काम कर लीजिएगा. क्या काम करना है सर? P को नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेके कर लीजिएगा. 2 क्रॉस 3 मेथड तो आप समझ ही गए. समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर. इसको कर लेना, लेकिन अब इसको क्वेश्चन को अच्छे से ओपन करके कर लीजिएगा. एग्जाम में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये ब्लिंक ऑफ एन आई में सॉल्यूशन निकालना ऐसे नहीं होता भैया, ऐसा आदमी चाहिए भी नहीं. पहला हो गया, पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो बोथ वन एंड टू कहाँ गया? हाँ ये रहा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेके थोड़ा अच्छे से कर लें. और ये मैंने जो लिखा है इवन 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 ई टू, ये याद मत करिए आप, बिना इवन ई टू के भी करते हैं. अगर कोई यहाँ पे मतलब ये जैसे मैंने यहाँ बताया कोई वेक्टर लेके करते हैं, आपको थोड़ी देर में अंदाजा लग जाता है कि अरे यहाँ तो ऐसी इक्वेशंस आ रही हैं जो इन एंट्रीज को जीरो बना रही हैं. तो सिमेट्री के हिसाब से चलते हैं, फिर पहले ई वन ले लेते हैं, फिर ई टू ले लेते हैं, फिर ई थ्री ले लेते हैं, अपने आप ही ए बी सी डी लाइन से जीरो हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी लेते हैं आप, कुछ भी लेते हैं यहाँ पे तो हो जाता, धीरे धीरे आ ही जाता, बट समय लगाने वाली चीज़ है. नेक्स्ट, सबसे हो गया होगा ये तो, ये हो जाना चाहिए यार, ऐसी चीज़ें तो अब हो ही जानी चाहिए. हाँ जी, थोड़ा सा समय लगा के केली हैमिल्टन थ्योरम आप करेंगे तो हो जाएगा. Yes, by Kelly-Hamilton theorem, every square matrix satisfies its characteristic polynomial. That simply means this will be m ka third power plus alpha m ka square plus beta m minus i, this should be 0. Last one, मैं बाकी तीन को तो मैं करके भी नहीं दिखाऊंगा. m power minus 2. एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम स्क्वायर से. खत्म हो गया, हो गया ना खत्म? यस सर. हाँ, थोड़ी सी मेहनत करवा ली आपसे, क्योंकि आप तो पहले वाले से शुरू करेंगे. सब ट्राई कोई बात नहीं, टाइम लगा के आ जाता. केली हैमिल्टन थ्योरम है, आ ही जाएगा क्वेश्चन, तो हर हाल में आएगा, बस केयरफुल होके काम करना. नेक्स्ट, ये थोड़ा और दर्द दे रहा है, नेक्स्ट क्लास तक सह लो. नेक्स्ट क्लास में एलबी डू, मैं ये नहीं कह रहा खुद कर लीजिएगा, नहीं एलबी डू. यस, मैं हर टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन अब डाल रहा हूँ, क्योंकि अब चीज़ें आगे आ रही हैं, प्रोग्रेसिव हो रही हैं. आप लोग पता नहीं कब बदलेंगे, हर टेस्ट में ये चीज़ बताई जा रही है आपको. पिछले टेस्ट में भी बताया था, बोला था या नहीं बोला था? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ ये कंडीशन अगर है आपके पास कि y a इक्वल टू b, तो भाई ये b के लिए देख लीजिएगा क्या है. b पॉजिटिव है तो क्या होगा, b जीरो है तो क्या होगा. b मैं हर बार बोलता हूँ, अगर बना के रख लो ना आपने, बस बना के पूरा, तो वो आप कुछ याद ही नहीं है, क्या करेगा कोई. तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, y जीरो इक्वल टू b, हाँ जी, b जीरो जब होता है, y जीरो जीरो पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यू नो, हर टेस्ट में डाल रहे हैं ऐसी चीज़ें. अब तो कर लो, अब तो कर लो, अब तो कर लो, कम से कम ये लास्ट वाला करेक्ट है. अगर भी आपका यहाँ जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा तो लास्ट वाला करेक्ट है. एक कंजेक्चर बना के हमने बस रख लीजिए. इवन जो पिछला डिस्कशन हुआ था, मे बी शायद टेस्ट 7 का या 5 का जो जो भी हुआ था, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन था.
अब तो बदल जाइए, तो इधर डाल रहे हैं, डाल ही रहे हैं भाई, बार बार बता रहे हैं आपको, ये थोड़े अब ऊंचे लेवल की चीजें हैं। विल बी डूइंग, बाद में करते हैं ये भी, कर देखते हैं बाद में, ये तो तुरंत ही हो जाएगा, फिर भी आइए, टाइम नहीं लगाते। मल्टीपल वाले भी इस बार अच्छे थे, आओ उसके पास ही चल रहे हैं हम। इफ क्यू डिनोट द एडिटिव ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड एफ फ्रॉम क्यू टू नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, आप सबको बताएं एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू क्यू, लास्ट क्लास में कराया था यदि लास्ट क्लास ग्रुप के वेयर अल्फा इज इक्वल टू एफ, वो आप क्लास करेंगे तो भूलेंगे नहीं। हाँ जी, एफ इज एन आइसोमो, यस यस, ये वन वन भी है, वन टू भी है, होमो भी है, अगर अल्फा नॉन जीरो बिकॉज नॉन ट्रिवियल बोली भी है उसने, तो ये वाला करेक्ट है। कोशेंट ऑफ साइक्लिक साइक्लिक, ये भी ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल देन जी इज अबेलियन, क्यू एट में नहीं है। तथा एवरी ग्रुप ऑफ 33 ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ जी इज 33, 33 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 11, 3 प्राइम है, 11 से लेस है, और 3 11 माइनस 1 को डिवाइड भी नहीं करता। अगर ऐसा होता तो क्या होता है, साइक्लिक यूनिक होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें 1 टू 4 करेक्ट है, आराम से हो गया होगा आप लोगों से जिन्होंने क्लासेस किए हैं, जो जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, 23, ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा बच्चे को, अटपटा सा इसलिए कि ये ग्रुप थ्योरी में वेक्टर स्पेस कहाँ से घुस गया, बस घुस गया भाई, अब क्या कर सकते, इसका कर्नल निकाली, व्हाट इज कर्नल का। हाँ जी बहुत बढ़िया, करना चाहिए था आपको। आइडेंटिटी जीरो, आर प्लस का आइडेंटिटी जीरो होता है, तो इट इज दोज ए ए ए बी सी डी ले लीजिए, 2x2 तो है ही। हाँ जी, फाइव यानी ट्रेस, ट्रेस क्या है यहाँ पे, सो दिस इज ए बी सी माइनस ए, कितना डायमेंशन आएगा, तीन डायमेंशन आएगा, डायमेंशन कर्नल फाइव तीन आएगा, तीन डायमेंशन तो इसका नहीं होता, ये तो छोड़ ही दो आप, बेकार की चीज़ है ये, एम टू अरे हट, ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट, ये क्या है वैसे, ये तो एम टू माइनस कर्नल बता रहे हैं, एम टू माइनस कर्नल, कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू एम टू माइनस कर्नल, नॉनसेंस। नेक्स्ट 24, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका प्रेम, पहला प्रेम, ये भी बच्चों को परेशान करेगा, बट ऐसा डिजाइन, ऐसा डिजाइन करा एक पेपर, ऐसा डिजाइन किया है कि दो तीन क्वेश्चंस मतलब सिमिलर आर्गुमेंट्स हो जाएंगे उसमें, ये है, मैं कराऊंगा, मैं अपने आप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें भी प्रॉब्लम है बच्चों को, इसमें ये हो गया होगा, लेकिन ये भी ईजी है, जस्ट वेट, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं कराऊंगा, आई विल बी डूइंग, ये तो बहुत आसान है भाई, अभी नहीं कर पाऊँ, मैं मल्टीपल पे जाने के लिए सोच रहा हूँ, ये सही है। हाँ जी, मल्टीपल ने फिर कहते हैं ना आंसू आंसू आ रहे थे मल्टीपल को देख देख के, कई बच्चों ने स्टेटमेंट दिया है, मैसेज भी किया है कि सर मल्टीपल को देख देख के भी पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आता ही नहीं है हमें। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिससे ये क्वेश्चन नहीं हो, मार्वेलस क्वेश्चन, मार्वेलस क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। लेट ए नॉट ए वन ए टू डॉट बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स फॉर एनी के, लेट एस एन इक्वल टू, पूरा सम नहीं है सिर्फ इवन टर्म्स का सम है, ए टू ए फोर ए सिक्स ए एट, ऐसा है, ऐसे ही है, यहाँ पे ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन तो मिसिंग है, ये आधा 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 सीरीज का सम कह सकते हैं। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर लिमिट एस एन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब आधे आधे टर्म्स का लिमिट या सम एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या पूरे का भी एग्जिस्ट करेगा, पहली नज़र में तो लगता नहीं ऐसा, बाकी अगर एग्जाम्पल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। दूसरा, अगर लिमिट एस एन एग्जिस्ट करता है देन ए एन नीड नॉट एग्जिस्ट, ये तो शायद फिर भी क्लैरिटी से हो जाएगा, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब ऑल इन ऑल समझ में ही नहीं आ रहा क्या होना है, कि दो दो ठीक किए तो बाकी दो तो गलत ही होने हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी दिमाग ठंडा रखिए, जितना आपने पढ़ा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जितना आपको कराया गया है उसमें से निकाल निकाल के एक्सट्रैक्ट कर करके ही एग्जाम्पल बन जाते हैं, बनते हैं। ज़रा देखना ये वाला सीरीज, पहले सी और डी पे बात करते हैं, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। अगर पूरी सीरीज का सम एग्जिस्ट कर रहा है, पूरी सीरीज का सम फाइनाइट है, भाई कायदे से आधे का भी फाइनाइट होना चाहिए, एम आई राइट, होना तो चाहिए, कायदे से तो होना चाहिए, बट यहाँ का कायदा थोड़ा अलग है ना, आईआईटी का कायदा थोड़ा अलग है, देखना जरा। जी, इज इट कन्वर्जेंट, सबसे हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के टॉपिक में किया है या नहीं, कि डेफिनेटली, अब मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ, जरा साथ देना भैया, है ना। ऐसे ही बनेगा, हाँ तो बोल दो कम से कम,
दिस इज ए नॉट, या ए वन ले लीजिए इसको, ये ए टू ले लीजिए, ये ए थ्री ले लीजिए, ये ए फोर ले लीजिए, ए फाइव ले लीजिए और होने के लिए तैयार हो जाइए। फोर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हाँ जी पूरे के पूरे इसका सम फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट। बट अगर आप खाली ये देखेंगे आप एस एन इक्वल टू दो चार छः आठ, आइए ज़रा नॉट फाइनाइट, ये तो डाइवर्जेंट है भाई, कमाल हो गया, ये क्या हो रहा है सर, ऐसे ही होगा भाई। अगर पूरी सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है तो आधे का कोई गारंटी नहीं है भैया, गलत हो गया। तो ये वाला ट्रू एग्जांपल आपके सामने, आप सबके सामने, समझ में आ गया। उसका स्टेटमेंट ही ऐसा है कि दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और शायद टैकल भी ना हो पाए, हो ही ना। सी एंड सी एंड डी क्लियर हो गया। यस सर। अब ए और बी पे आइए, हाँ जी ध्यान दीजिए जरा, ये हमारे सामने कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इसके इस ए और बी पार्ट के लिए क्या करना है आपको, या कैसे करेंगे, 50% का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या 100% का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा? प्रैक्टिकली तो नहीं लगता, लेकिन अगर आप क्रिएट कर पाए ऐसा सीरीज तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस क्रिएशन के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए यही करो कि इवन टर्म्स पे ये बिठा दो और ऑड टर्म्स पे वन 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 ले लीजिए। तो अब की बार ये हटाइए, इस बार हम ये ले रहे हैं, देखिएगा। हाँ जी भाई लोगों, ये इवन पे रहने दीजिए, मतलब ये ए टू तो ये वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस, आप बस आप बात समझ गए। ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन, आइए ज़रा। दो चार छ आठ, तो ये हो जाएगा, यू नो क्या क्या कह रहा हूँ मैं, यस इज इट फाइनाइट? हेलो, हाँ जी लिमिट एन गोज टू इनफिनिटी एस एन, ये रहा, दिस इज फाइनाइट। बट क्या ये सीरीज, यस व्हाट अबाउट द सीरीज, एक्चुअल में उसके nth टर्म का लिमिट जीरो नहीं आएगा, ये इसको मतलब कंबाइन जैसे भी करिए नहीं आएगा वो, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो पहला, अगर लिमिट एस एन एग्जिस्ट कर, जैसे यहाँ कर रहे हैं, तो ए एम का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला ट्रू है। अगेन अ मार्वेलस क्वेश्चन, मार्वेलस क्वेश्चन। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस सर। विल बी आई विल बी डूइंग, आपको नहीं करना है, मैं करा लूंगा। हाँ जी किसी को तकलीफ हो रही है इसको देख के, कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, हाउ मेनी? देखिए हो जाना चाहिए था, ध्यान से देखिए। यस पहले वाला तो आप सबको पता ही है, लिबनिट्ज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट आएगा। तो ये कन्वर्जेंट ट्रू है, द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये फॉल्स हो गया। जैसे आप सेकंड वाले में मॉड लगाएंगे तो ये बन जाएगा समेशन में मॉड एन प्लस रूट एन, तो यहाँ यू एन वी एन क्या नाम है, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट से डाइवर्जेंट हो, दिस इज डाइवर्जेंट, तो ये गलत है। बस यही इतनी खुशियाँ हैं, बाकी दो में तो समझ में ही नहीं आ रहा था बच्चों को क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से करते हैं। ध्यान दीजिए ज़रा आप सभी लोग, एवरी वन, सी पार्ट सी फोर कैलकटा, यस एनी बडी फ्रॉम कैलकटा, नो बडी, ओके ध्यान देना भाई, आप ही को कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सेपरेट कर दो, पहला बनेगा, अगला बनेगा, इतना तो अपनी तरफ से तो बच्चों की तरह काम कर ही सकते हैं, लास्ट वाला बनेगा,
हाँ जी, सभी महानुभाव जरा सामने आ जाएं। समेशन वन बाय एन, समेशन माइनस वन पावर एन वन बाय एन, समेशन लॉग एन बाय एन पावर थ्री बाय टू। भैया जरा साथ आइए आप सभी लोग। लॉग एक्स के लिए आपको कुछ इनइक्वालिटीज बताई गई थी, लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स व्हेनेवर एक्स इज पॉजिटिव। तो उस हिसाब से ये वाला यू नो आ जाएगा आराम से, या ग्रेटर देन वन करके कर ली, जैसे भी करिए, इट्स अप टू यू, जैसे भी करिए। अच्छा ये पता नहीं क्या होगा, ये बीच वाला तो पक्का कन्वर्ट। अरे भैया बाकी सब तो ठीक है, ये कैसा है ये बताओ, बोलो। डाइवर्जेंट। हाँ जस्ट वेट भाई, ऐसा हो सकता था कि ये डाइवर्जेंट आए, बिकॉज यहाँ कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो डाइवर्जेंट आएगा तो प्लस इन्फिनिटी में ही जाएगा इसका सम। अगर ये इसका सम नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में, तो शायद वो कैंसिल वैंसिल होकर फाइनाइट दे दे, लेकिन इसका सम तो नेगेटिव में आना नहीं है। दिख रहा है कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, बट जब टर्म्स ही नेगेटिव नहीं है, इच टाइम यू आर एडिंग सम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आंसर भी प्लस में ही आना है। समझ रहे हैं, मतलब इसका आंसर उसके आंसर से कैंसिल नहीं होना। अब बोलो जरा क्या होगा इस सीरीज का, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट ही है। हाँ जी ये गलत है फिर, बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट वाला देख लीजिए, ये पूरे पे नहीं है रूट। पूरे पे होता तो, पूरे पे होता तो मिसप्रिंट होता, और क्या होता। यस प्लीज लुक एट द टू सीरीज इंडिविजुअली, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया, इंडिविजुअली कन्वर्जेंट, इंडिविजुअली कन्वर्जेंट एंड देयरफॉर कन्वर्जेंट। अगेन अ गुड क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट यस हो जाना चाहिए भाई, इतना पढ़ने के बाद हो जाना चाहिए। आप लोगों ने ऑप्शन डी क्लियर नहीं था। अभी आते हैं, आते हैं, अभी आते हैं, सब क्लियर होगा। देखिए एफ फ्रॉम क्लोज 01 टू ओपन 01, यस एवरीवन 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 एवरीवन, क्या आप लोगों ने फिक्स पॉइंट थ्योरम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए पढ़ा है, और स्ट्रिक्टली आपको बोला गया था क्लास में कि एफ ए बी टू ए बी होना चाहिए। हाँ तो इस तरह का फंक्शन अगर कंटीन्यूअस तो फिक्स पॉइंट देगा। ना सिर्फ ये कराया है, बल्कि वो लोग अब परेशान होंगे जिन्होंने, हाँ जी ए बी टू वॉट नहीं क्लास। अरे वाह भाई वाह, हमने कमाल ही कर लिया। अगर यहाँ आप ए बी का सबसेट लिख देंगे तो भी आपको फिक्स पॉइंट इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। जरा 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 देखो, एफ फ्रॉम क्लोज 01 टू, ये तो सबसेट है क्लोज 01 का, ये तो ट्रू है पक्का, am I right? Yes sir. क्लास में ग्राफ बना, ये फॉर्मूला नहीं दिया आपको, ग्राफ बना के समझाया था कि देखो ऐसा सच में होता है। फॉर्मूला लेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, बट एक बार प्रैक्टिकली देख लीजिए उसको करके। इट्स जस्ट लाइक अभी कुछ देर पहले ये वाला क्वेश्चन आया था, मैं हर बार ये इस तरह की चीज़ बता रहा हूँ आपको। हाँ जी हर बार इस तरह की चीज़ बता रहे हैं कि ये मैं फॉर्मूला दे दूँ आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार कंजक्चर बना के रख लीजिए कि बी पॉजिटिव है, बी जीरो है, बी नेगेटिव है, क्या क्या होगा। अब एक बार अपने हाथ से कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते, सेम ईयर। तो ये आपको क्लास में कराया गया है, तो दैट मीन्स आपका सी पार्ट तो करेक्ट है ही। अच्छा अब आते हैं, चलिए थोड़ी हिम्मत मिली, अब ज़रा बी पार्ट देखेंगे आप सभी लोग। बी, बी फॉर बॉम्बे, ये ज़ीरो है, ये वन है, बी फॉर बॉम्बे। उसने बोला एफ जीरो एफ वन से लेस है। भैया जरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ ले लीजिए, ये यहाँ ले लीजिए, ये पिक्चर देख के बताइए क्या एफ जीरो एफ वन से लेस है। यस सर। और अगर मैं ऐसे बना दूँ तो मुझे तो नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। अब आइए जरा परछाई लेते हैं, आप और आपकी परछाइयाँ, दिस इज एफ जीरो एंड दिस इज एफ वन, क्या यस परछाई लेने के बाद क्या क्या इमेज इतना ही है? नहीं वो तो आगे वाला भी आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो समझ गए आप लोग, तो यानी ये रेंज रेंज जो है इसके बराबर हो जाए, ऐसा होना जरूरी नहीं है, गलत, दिस इज रॉन्ग। अब आते हैं ए पार्ट पे और डी पार्ट पे। यस थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट कनेक्टेड भी पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, गधे हो तुम, कितना ये क्या नाम है, इस स्टेज पे बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। जब से क्लासेस शुरू हुई हैं इस साल जब से, तब से बोला भी था, कई बच्चों को बोला था, मतलब कान पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती ज्वाइन भी करवाया,
गालियां दे रहे हैं अलग बात है, या देते हैं फिर भी, भाई उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि ये चीजें अपने आप ही बड़े आराम से आपके सामने आ जाएंगी। जो मुश्किल से चीजें समझ में आती हैं वो बड़े आराम से, जब आप देखेंगे ना इस पेड़ की ब्रांच उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, नीचे से तो खाली तना नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना ब्रांचेस इधर उधर जा रही हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगी। कॉम्पैक्टनेस कनेक्टेडनेस डालते रहें आपके लिए। हाँ जी, कॉम्पैक्ट होता है रियल लाइन में क्लोज एंड माउंटेड, और कनेक्टेड होता है रियल लाइन में इंटरवेल। तो राइट नाउ कॉम्पैक्ट। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कितने लोगों ने सुना है ये? पढ़ा है आपसे। थैंक यू। अगर रियल लाइन में बात कर रहे हैं आप तो किसी और लाइन में बात कर भी नहीं सकते भैया। कॉम्पैक्ट का मतलब ही होता है क्लोज एंड माउंटेड, और रियल लाइन में कॉम्पैक्ट मीन्स इस तरह का इंटरवल, और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं है। क्लोज एंड माउंटेड होना चाहिए, इस तरह का इंटरवल हमेशा क्लोज एंड माउंटेड होगा आपका। तो ज़रा बताइए, अगर मैंने एफ कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया ए बी टू समथिंग, तो जो इसका ये कॉम्पैक्ट है, तो जो इसका एफ ऑफ ए बी बनना है, क्या वो भी कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए? तो बोलते कहे नहीं। कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोज एज वेल एज बाउंडेड। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए। हाँ जी, इसमें से थैंक यू, इसमें से क्या हो सकता है? एफ ऑफ ए बी क्लोज्ड ए बी पॉसिबल, एफ ऑफ ए बी ओपन ए बी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे होगा यार पॉसिबल? ये थोड़ा दिस इज नॉट क्लोज एंड बाउंडेड भाई, तो ये लास्ट वाला पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? आई एम सॉरी। हाँ ये ट्रू है, मतलब वो इक्वल हो जाए ओपन इंटरवल 0-1 के, वो नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ए पार्ट पे आते हैं। ए में क्या करें सर, सब कुछ देख लिया, ये तो कराया नहीं आपने, करा नहीं तो आए। इधर आइए सर। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए एफ की जगह मैं ए लिख रहा हूँ कैपिटल है, तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, एफ ऑफ ए। आइए सर। हाँ जी, ए पहले से ही क्लोज्ड है एंड ए कंटेंट है 0-1 में। भाई लोगों, अगर ए 0-1 में कंटेंट है तो ए मैक्सिमम 1 ले सकता है, मिनिमम 0 ले, बाउंडेड तो होगा ही, होगा या नहीं होगा? यस सर। क्लोज एंड बाउंडेड क्या होता है? देखो क्या घुमाया क्वेश्चन, कि आपको आराम से समझ आपको आराम से समझ में आ गया। ये ए इज कॉम्पैक्ट, सो दिस इंप्लाइज एफ ए शुड बी कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट है तो क्लोज एंड बाउंडेड। पक्का? यस सर। नेक्स्ट। अब मैं ये कह दूं होमवर्क है, आप अपने आप कर लीजिएगा। भाई मैं फिर वही कहूँगा, जो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए वो सच में की जा रही हैं आपके साथ, और कुछ क्वेश्चन में मैंने बोल दिया बाद में देखेंगे, या ये वाला मैं कराऊंगा, जो मैंने बोला मैं कराऊंगा वो करा देंगे, अब बाद में देखेंगे, उसका लेवल वो नहीं है भाई। ये विल बी डूइंग बाय द एंड, विल बी डूइंग, ये भी मतलब मुश्किल वाले क्वेश्चन है, नहीं हो रहे बच्चों से, इसमें भी वही हाल है। रुको, अभी एक दो क्वेश्चन एनआईटी के कर लेते हैं। ये कितने लोगों को परेशानी है इसमें भाई? आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। कराया हुआ है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कराया, बिल्कुल हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब आइए जरा एनटी में। हाँ जी, ये भी मैंने क्लास में कराया था। हाँ, इस तरीके से नहीं कराया था, लेकिन आप और आपके तरीके भी तो निराले हैं। आओ जरा देखो, पाई एक्स दिया हुआ है, जिन्होंने क्लासेस किए हैं उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, बाकी तो बेचारे समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए अभी निराश मत होइए, कुछ दिन बाद एग्जाम है। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल चाहे आपका हो चाहे मेरा, हमेशा पॉजिटिव है, और ये डिफरेंस तो पॉजिटिव है भाई साहब, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। हाँ जी, दिस इंप्लाइज पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, पूरे रियल लाइन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक वैल्यू दी हुई है एफ जीरो। एफ जीरो का मतलब व्हाट इज पाई 0? ये देखिए, आज क्लास में अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही था,
ऐसे ही था। हाँ जी, जीरो का पाई का वैल्यू जीरो पे जीरो है, यानी यहाँ डॉट लगेगा और उसके बाद वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी उसके बाद वाली वैल्यूज तो यू नो कहाँ जाएंगी। सो इन दोनों को इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या कह सकते हैं, ओपन जीरो इंक्रीमेंटिंग इंक्रीजिंग पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर प्लस, एम आई राइट? यस सर। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट ना सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बल्कि या जैसे आर्गुमेंट लिख के बताया था आपको, बताया है दिस इंप्लाइज पाई एक्स इज ग्रेटर देन पाई जीरो, दिस इंप्लाइज पाई एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ऑन आर प्लस। हाँ जी आइए जरा, पाई एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ऑन आर प्लस, दैट मीन्स अगर मेरे पास p और q दोनों r प्लस के मेंबर्स हैं तो phi p कैसा होगा भैया, हमेशा पॉजिटिव। phi q कैसा होगा भैया, हमेशा पॉजिटिव। phi p मल्टीप्लाई phi q कैसा होगा जी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज x इंडिविजुअली r प्लस में, y इज नॉट पॉसिबल, गया जीरो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी जीरो। अगेन जिन्होंने क्लासेस किए हैं वही पहचान भी सकते हैं और वही कर भी सकते हैं, फॉर्मूले से तो क्या ही करेंगे फिर। नेक्स्ट नहीं निकल रहा था कुछ बच्चों से सर, वो घबराहट के मारे नहीं निकला भाई, निकल ठीक है। ये इसके लिए आपको उस पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन जेड पावर टू एन, और आपको ये बताया है कि भाई ये जो आपका पावर सीरीज है अगर आपको इसका, हाँ जी इसका इसका आर ओ सी निकालना है, पहले इसका आर ओ सी निकालिए ए एन एक्स एन का, और इसका आर ओ सी अगर आर है तो इसका आर ओ सी आर पावर वन बाई पी, बताया ना क्लास में, अगर इसका आर ओ सी आर है। अच्छा मीटिंग ही एंड हो गई, बता दो मैम। हाँ जी आ गए, यस सर आइए। इसका आर ओ सी निकालने के लिए आप पहले इसका आर ओ सी निकालिए, इफ इट्स आर ओ सी इज आर देन इसका आर ओ सी हो जाएगा आर पावर वन बाई थ्री, क्लास में बताया है? यस सर। ओके फर्स्ट कंसिडर समेशन ए एन जेड एन एज समेशन फोर पावर माइनस वन एन इंटू एन जेड एन। हाँ जी इसका मेरे साथ आ जाइए, ए एन है आपका फोर पावर माइनस वन एन इंटू एन, तो आपको मॉड ए एन वन बाई एन चाहिए ना, मॉड एन इसका लिमिट सुपीरियर निकलता है। पहले इधर आओ जरा आप सभी लोग, जहाँ माइनस वन पावर एन होता है वहाँ तो इवन ऑड चलेगा ही, तो ये बन जाएगा यहाँ फोर पावर टू एन एंड दिस विल बिकम, बात समझ में आ गई? सो व्हाट इज मॉड एन वन बाय एन, इवन के लिए अलग कर दीजिए ऑड के लिए अलग कर दीजिए, तो ये पहले वाला बनेगा फोर पावर टू एन होल पावर में वन बाय टू एन, ये बनेगा आपका वन बाय फोर पावर टू एन प्लस वन होल पावर में वन बाय टू एन प्लस वन। अगर आप ठीक हैं तो ये भी ये आपका फोर पे जा रहे हैं और ये आपका वन बाय फोर पे जा रहा है, तो इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट्स, एक चार और एक वन बाय फोर, तो उसमें से ग्रेटर है आपका फोर तो लिमिट सुपीरियर आएगा फोर इसका,
लिमिट सुपीरियर ए एन वन में है एस फोर, तो आर ओ सी क्या होता है, हाँ जी ये आर ओ सी निकाला है आपने इसका, तो इसका आर ओ सी क्या होगा, वन बाई टू आर ओ सी। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेसी क्लास, ये इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं बार बार, कम्यूट करते हुए एलिमेंट्स निकालिए या कॉन्जुगेट क्लास में बताइए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये थ्री साइकिल के कॉन्जुगेट क्लास में वही एलिमेंट्स होंगे जिनका साइकिल स्ट्रक्चर थ्री साइकिल से मैच करता है, थ्री साइकिल से तो थ्री साइकिल का साइकिल स्ट्रक्चर ही मैच करेगा। आओ ज़रा, तो नंबर ऑफ थ्री साइकिल्स निकालनी है, एन एस एक्स, तो दिस इज गिवन बाय सिक्स फैक्टोरियल थ्री सिक्स माइनस थ्री विच इज सेम एज सिक्स फाइव फोर फोर्टी फोर्टी है ना, चालीस, सिंपल फोर्टी आया था, हेलो आर यू देयर, आवाज आ रही है, यस सर, ओके नेक्स्ट, यस सर फोर्टी, देखते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में, रैंक नेक्स्ट क्लास में, ये नहीं हुआ होगा, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ये आपने नोटिस किया है ट्रिपल है, हेलो ट्रिपल है, हाँ यस, इसमें परेशानी होगी, ये नहीं हो पाएगा, यस यस सर वन, ये सब होंगे, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये देखो रीमान थॉमे फंक्शन, देख देख के डर लग रहा है, ये वाला कराते हैं आपको 58 59 करा देते हैं, देन यू कैन बी, क्योंकि आगे आगे भी क्लासेस हैं, इधर ठहरो भाई, आगे आगे आइए जरा, द ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नॉन ट्रिवियल ग्रुप कंटेनिंग एलिमेंट्स एक्स एंड वाई सो दैट एक्स सेवन इज वाई स्क्वायर इज़ एंड वाई एक्स इज एक्स पावर फोर वाई इज़ नो, वो अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो भी निकालने में परेशानी होगी। हाँ जी यहाँ पे छोटा सा, हाँ जी व्हाट इज बी ए बी इनवर्स होल पावर एन, ये आपको पता है, नहीं पता तो देखो, मान लीजिए इसका थर्ड पावर ले रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, मूर्खता आफत को आमंत्रित करती है, बस मूर्खता मत दिखाएं, बी ए ई ए ई ए बी इनवर्स, सो दिस विल बी बी ए ए ए बी इनवर्स, हाँ जी क्या बन गया, अगर यहाँ पे पावर डालेंगे तो बीच में आ जाएगा, अच्छा अब ये क्वेश्चन की शक्ल देख के लग रहा है कि डायहेड्रल से होगा, जैसे भी होगा भाई थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, और न्यू कमर से तो क्या ही होगा, हमें भी परेशानी होती है, देखिए उसने क्या दिया है, x पावर 7 आइडेंटिटी है, y पावर 2 आइडेंटिटी है, तो ऐसे लग रहा है कि एक एलिमेंट का ऑर्डर 7 है दूसरे का 2 है, तो 2 और 7 से जनरेटेड ग्रुप तो D14 लग रहा है हमें, लग रहा है, बट ऐसा है भी या नहीं वो देखो पहले, तो y x इज x पावर 4 y, एवरीवन सर ये फोर क्यों लिया, मेरा मन कर रहा है भाई लेने का, मैं तो कुछ भी लेता रहूँ, हाँ जी दिस इज वाई, अभी बताया था मैंने एक्स पावर फोर वाई इनवर्स, व्हाट इज एक्स पावर फोर फ्रॉम हियर, सो दिस विल बिकम वाई वाई एक्स वाई इनवर्स, हाँ जी दिस विल बिकम वाई का स्क्वायर एक्स अलग वाई का स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है वाई का स्क्वायर कितना है, इसीलिए लिया था ताकि इसका यूज हो जाए, तो ये बन गया आपका ई एक्स ई इनवर्स, तो दिस विल बी एक्स, ये एक्स का सोलहवा पावर एक्स है, आइए एक्स का सोलहवा पावर एक्स, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज एक्स का फिफ्टींथ पावर,
दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स 15 या डिवाइड 15 पता नहीं था ऑल्सो यहाँ से क्या मिलेगा ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स 7 ऐसा नंबर बताइए चलो ऐसा नंबर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड अब बच्चा कहेगा सर जैसे एक्स का ऑर्डर बनाया ऐसे वाई का भी वन आ जाए तो मज़ा आ जाए मज़ा नहीं आएगा बेटा ये कैसा ग्रुप दिया है अब तो वाई का ऑर्डर वन हो गया वाई का ऑर्डर वन हो गया नहीं तो ट्रिविअल ग्रुप हो जाता देखो सर नेक्स्ट वाई स्क्वायर इज ई दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ वाई डिवाइड्स टू दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ वाई इज वन और टू इट कांट बी वन वाई बिकॉज इफ इट इज वन वो भी वन ये भी वन आइडेंटिटी ग्रुप बन गया ट्रिविअल ग्रुप बन गया तो दो ही होगा सो ऑर्डर ऑफ वाई इज टू ओके जी इज जनरेटेड बाई एक्स वाई साथ दीजिए वेयर ऑर्डर ऑफ एक्स वन है ऑर्डर ऑफ वाई टू है हाँ जी महानुभाव हो आ जाओ जरा इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे एक्स की जगह तो ई लिखेंगे सॉरी एक्स के लिए ई लिखेंगे वाई की वाई का ऑर्डर टू है तो वाई दो एलिमेंट्स देगा आपको ई कॉमा वाई तो ई को ई के साथ ई ई को वाई के साथ वाई तो ये बन गया आपका ठीक है ना यस सर हाँ जी जेड टू मिनिमम ऑर्डर ऑर्डर इज टू अगेन जिसने पहले नहीं किया ऐसे क्वेश्चन मैं ये नहीं है संभव मानता हूँ नहीं है संभव कि वैसे कर ले बट आई थिंक ये बुक में है आई थिंक सो बट फिर भी स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा इसमें एकदम से नया नया बच्चा नहीं कर पाएगा वो कर ही नहीं सकते हैं प्रॉब्लम होती है रेडी फॉर नेक्स्ट यस हाउ मेनी हाउ मेनी बड़ी बहुत उम्मीदों से डाला है भाई ग्रुप थ्योरी पहला वाला जो जिसने सबसे पहला ड्राइव किया था शायद मई जून जुलाई में हुआ था मे बी उसमें मैंने यूनिट सर्कल पे इतना काम किया है आपने और हमने बहुत काम किया है भाई ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे बहुत काम किया मैं आपको समझाए कौन तुमको सुनते ही नहीं आप लोग बैठ के शिकायत करते रहेंगे कह रहे हैं भाई ये हो गया यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन है अब सी प्लस में लेंगे तो यूनिट सर्कल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है तो सी स्टार डॉट में ले लीजिए टेल मी क्या सी स्टार डॉट में यूनिट सर्कल घुसा हुआ है या नहीं घुसा हुआ है आप लोग कहाँ चले गए यस एक्स स्क्वायर इज ई दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स में जरा सॉल्यूशन बता दीजिए 1-1 अगला बताइए ये बेसिकली ई नहीं है ये वन है ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी कितना काम कराया बताइए तुम सुनो तब ना जी इतने से ही दिख जाएगा आपको देखिए पहले वाले में -1 का ऑर्डर 2 है अगले में ओमेगा का ऑर्डर 3 है और ओमेगा स्क्वायर का भी 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 2 सिर्फ एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 3 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 4 दैट इज अगेन 2 5 वाले यू नो ये काम करना होता है कोई और आगे नहीं करेगा यूनिट सर्कल इसके सी स्टार के अंदर घुसा हुआ है और अगर आपको किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए इट्स नेचुरल टू सॉल्व स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब ले दे के वो इधर ही लाई करेंगे ऑर्डर 1 वाले 2 वाले 3 वाले 4 वाले सारे एलिमेंट्स इधर ही लाई करेंगे तो टोटल काउंटिंग ही पूरी हो गई सी स्टार में दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं एक ही है भैया -1 सी स्टार में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं सी स्टार में 4 ऑर्डर के कितने हैं हाँ भाई हो गया खत्म इन सी स्टार डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए फाइव तो भैया 5-5 ही आएगा मान लो अब मान भी लो ऑयलर फाइव फंक्शन मान गए यस सर इसका उससे क्या आइए रिश्तेदारी निकाले आइए आइए कहाँ जा रहे हो अब जेड पावर 98 इज 1 और कभी भी 1 नहीं है यानी जेड का पावर 1 जेड का पावर बहुत बढ़िया भाई कमाल कर दिया जेड का पावर 3 झगड़ा करवाएंगे तो डॉट 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 करते करते जेड का पावर 97 तक 1 नहीं है हाँ जी ये पूरा चार्ट देख के बताइए ऑर्डर ऑफ जेड कितना आएगा ऑर्डर ऑफ जेड कितना आएगा 98 थैंक यू वेरी मच तो क्या काउंट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98 यस सो इट इज दोज जेड बिलोंग्स टू सी
या सी स्टार वेयर ऑर्डर ऑफ जेड इज 98। हाँ जी कितना आएगा कार्डिनलिटी? 42. So that is 42. Again a marvelous question. Marvelous question. Gazabi question. Next. Ready for next? Ready sir. ये तो हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी सुनो भाई मैं फिर वही रिपीट करूँगा, प्लीज़ थोड़ा शिकायतों के मोड से बाहर आइए, थोड़ा थोड़ा सा अपना परसेप्शन बढ़ाइए। एग्ज़ाम आप ही लोगों को देना है, ऐसे छोटे बच्चे बनके या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके नहीं होगा काम। क्वेश्चन मिलता है कि 900 ऑब्जर्वेशन से होगा नया क्वेश्चन। मैंने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम दे रहे थे या आसानी से बच्चों से नहीं हो पा रहे थे या टाइम लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही होगा। और जो आप सोच रहे हैं कि 60 के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, समटाइम्स हो सकते हैं भाई, इन जनरल 40-45-50 के करीब क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड उतना ही आप मतलब आप अगर कोई वाइब्रेंट बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है तो उतना ही कर पाता है। 100 में से 100 तो कोई कर भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन लड़ाई जीतने का तरीका होता है ना, तरीका नहीं सीखना चाह रहे, शिकायतें किए जा रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं कराया वैसे नहीं कराया, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। बैटल कैसे जीता जाता है आपको पता है? कहाँ कहाँ से निकलते हुए विजय विजय का मार्ग प्रशस्त होता है उसको समझो जरा। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। एंड करो मैम। होगी क्लास।